अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल कश्मीर और मैं हूं आपके साथ महविश। नाज़रीन, अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो कश्मीर में आए दिन कहीं ना कहीं से हमें ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जिसमें कश्मीरी आर्ट एंड कल्चर यहां पर प्रमोट किया जाता है। नाज़रीन, अभी हम शहर श्रीनगर के डल लेक में मौजूद है जहाँ पर एक आर्ट एंड कल्चर इवेंट हो रहा है जो कि JK टूरिज़म की जानिब से यहाँ पर मुनक्किद किया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इस इवेंट को लेके लोगों का कैसा सपोर्ट रहा। सर, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं। मैं श्रीनिवास हूँ, मैसूर से आया हूँ, कर्नाटक से। सर, आज आप कश्मीर विंटर्स में आए, कैजुअल मेनली जो टूरिस्ट्स है वो समर्स में आते हैं, तो आप बताएं आप विंटर्स में आपको डल लेक में आए और यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल भी चल रहा है, बो हाउस बोट फेस्टिवल, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। ये पहला टाइम मैं आया हूँ, इतना सुंदर हमारा देश में कोई और नहीं है प्लेस। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में ऐसा कोई आपका यहाँ पर कश्मीर आना होगा समर्स में या विंटर्स में, और क्या मैसेज रहेगी? हम आना चाह रहे हैं, फिर समर में आ रहे हैं, आना चाहते हैं। हमारा ग्रुप है 21 मेंबर्स का ग्रुप है, ये भी हमारा ग्रुप लीडर है, इनसे हम ये सब देखने के लिए फिर आते हैं, आना चाह रहे हैं। सर, आप भी अपना नाम बताएं और बताइए कश्मीर आके कैसा लगा, क्योंकि अभी डल लेक में बहुत ज़्यादा फॉग भी है दूर दूर से, तो और यहाँ पर हाउस बोट फेस्टिवल भी चल रहा है, तो कैसा महसूस हुआ यहाँ पर विंटर्स में आके खास? सबको गुड इवनिंग, मेरा नाम संजय है, मैं मैसूर से हूँ। एक्चुअली हम लोग कश्मीर लास्ट ईयर आने वाले थे, लेकिन कोविड के हिसाब से हम लोग पोस्टपोन किया, फरवरी में हमारा प्रोग्राम था आने का, लेकिन उस टाइम हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो इसलिए हम लोग पूरा एक साल वेट करके पूरा ग्रुप लेके मैं आया हूँ कश्मीर। विंटर में आना है, स्नो देखना है करके हम लोग एक साल से जा रहे थे। बहुत ही सुंदर है, हिंदुस्तान में इससे बढ़िया जन्नत और कहीं नहीं है। अगर बात करें यहाँ प्लेस की, अभी यहाँ पर विंटर चल रहा है कश्मीर में, तो क्या लगता है आपको आपके एरिया से ज़्यादा ठंड यहाँ पर है, कैसी ज़्यादा ठंड लगी? नहीं, वाकई बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत हम लोग बहुत मतलब इन्जॉय भी कर रहे हैं, ठंड भी है लेकिन उसका मज़ा ही अलग है। हम लोग जैसे ही हम लोग उतरे एयरपोर्ट से, वो जो फीलिंग था ना, वो कुछ कह ही नहीं सकते, वो फीलिंग का बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है वो। यहाँ पर अभी हाउस बोट फेस्टिवल भी चल रहा है, उस हवाले से आपने अभी यहाँ पर क्या एंजॉय किया, कैसा लगा हाउस बोट फेस्टिवल ये आर्ट एंड कल्चर के? एक्चुअली हम लोग ने प्लान किया था हाउस बोट करने का, लेकिन हमारे एडवाइजर ने बताया कि हाउस बोट में हीटर सब नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, तो इसलिए हमने हाउस बोट कैंसिल करके हमने रूम ही किया, होटल ही किया है। आने वाले समय में ऐसा कोई चक्कर फिर से रहेगा कश्मीर, और इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं लास्ट में? हम लोग कल जा रहे हैं सोनमार्ग, और परसों जाएंगे गुलमार्ग, और उसके बाद जाएंगे पहलगाम, एक मिनट पहलगाम में स्टे करेंगे, फिर उसके बाद सीधे जाएंगे दूध पत्री जाएंगे, फिर वहाँ से सीधे एयरपोर्ट। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप? मैं शिखा, मैसूर से आई हूँ, कर्नाटका से। तो अभी आप विंटर्स में यहाँ पर आए और यहाँ पर खास तौर अभी हाउस बोट फेस्टिवल भी चल रहा है आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, तो कैसा लगा आपको विंटर्स में कश्मीर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का व्यू वगैरह सब बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा है, तो सब अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि कश्मीर विज़िट करने के लिए कौन सा सीज़न अच्छा है, समर या विंटर? अभी विंटर में आए हैं, समर में एक बार आके देखेंगे, फिर देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। तो क्या प्लान है आगे चल के आपको कश्मीर में घूमने के, और कैसा लग रहा है हाउस बोट फेस्टिवल जो भी चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपकी बाहर के लोगों के लिए कि कश्मीर को विज़िट करने के लिए, और यहाँ पर आपको खातिरदारी कैसे लगी कश्मीरी लोगों की कश्मीर की? मैं यही कहूँगी आप सब लोग आइए कश्मीर में, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, और लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जितना आइए यहाँ पर घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नाज़रीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर कुछ सियाहों से बात की जो कि यहाँ पर कश्मीर आए थे, और कश्मीर में ये लोग यहाँ पर लुत्फ़ ले रहे थे यहाँ की खूबसूरती का, और साथ ही साथ हमने इनसे ये भी जानने की कोशिश की क्योंकि अभी यहाँ पर कश्मीर में मौसम सरमा चल रहा है, और इनका ये कहना है कि ये लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं कश्मीर, और साथ ही साथ ये पहली बार है जब ये यहाँ पर मौसम सरमा में आए हैं, और उनने ये भी कहा, आपने सुना ही होगा कि ये यहाँ पर जब गर्मी का मौसम होगा तब भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगी। नाज़रीन, अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो यहाँ पर अभी नेहरू पार्क डल लेक में एक हाउस बोट फेस्टिवल चल रहा है आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, और उनने ये कहा कि इनको ये आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम भी बहुत
बहुत अच्छा लगा और इनकी ये मैसेज थी बाहर के लोगों के लिए, आवाम के लिए, कि एक बार आपको कश्मीर आना चाहे, यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ लेना चाहे। नाज़रीन फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे भी रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे ग्लोबल कश्मीर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।